एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। राजस्थान में आज से होम वोटिंग होगी। आपको बता दें पहले चरण की 12 सीट पर होम वोटिंग, आज से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग की सुविधा है। तो 76,636 वोटर घर से मतदान करेंगे। आपको बता दें कि 58,954 बुजुर्ग और 17,682 दिव्यांग इसमें शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए 14 अप्रैल से घर से मतदान होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आज से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग की सुविधा होगी। इसमें आपको नजर आएंगे कि जो चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचेंगे घर पर और वहां पर ही होम वोटिंग की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। विधानसभा चुनाव में भी ये देखने को मिला था। अब देखिए लोकसभा का चुनाव और उससे पहले होम वोटिंग की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। वो लोग जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं और देश के नागरिक हैं, घर पर बैठकर वोट कर सकते हैं, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल होते हैं, दिव्यांग भी शामिल होते हैं। जो घर से बूथ तक नहीं पहुंच सकते अपना मतदान करने के लिए, वो सभी लोग जो हैं घर पर बैठकर अपना वोट डाल सकते हैं। अरबाज अहमद इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है अधिक जानकारी के लिए। अरबाज देखिए, आज से होम वोटिंग शुरू हो रही है, पहले चरण के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो होम वोटिंग के लिए घर घर मतदान दल पहुंचेंगे, बाकायदा बीएलओ की जो लीडरशिप में पूरी टीम पहुंचेगी। ये 85 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग हैं, 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं, उन लोगों के जो वोट हैं घर जाकर के लिए जाएंगे बैलेट पत्र पर। और आज मतदान दल रवाना शुरू हो जाएंगे और 5 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक बाकायदा जो पहला चरण होगा उसमें 12 सीटों के ऊपर 114 उम्मीदवारों के लिए ये होम वोटिंग करवाई जाएगी और फिर इसके बाद में दूसरे चरण का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से औपचारिक शुभारंभ हो जाएगा आज तरह, आज जो वोट डलने का उद्घाटन हो जाएगा लोकसभा चुनाव साल 2024 के लिए। और जयपुर में जो बुजुर्ग हैं और जो दिव्यांग हैं उनको भी मौका मिल पाया कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वो अपना योगदान दें और शामिल हो मतदान में। जी ठीक है अरबाज, और क्या संख्या है होम वोटर्स की? देखिए करीब 76,000 जो मतदाता हैं जो होम वोटिंग करेंगे वो इस पहले फेज में है। दूसरे फेज के लिए भी जारी करना बाकी है मतदाताओं की संख्या, क्योंकि उसमें अभी आवेदन का समय दिया हुआ है। ऐसे में 12 सीटों के ऊपर करीब करीब 76,000 लोग जो है जिनमें। ठीक है अरबाज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने।